और ये एक क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, ठीक है, टैक्स फंक्शन। टैक्स कैलकुलेशन में हम टैक्स फंक्शंस के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पावर बी ओपन करता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे डेटा में कुछ टेक्स्ट होते हैं जिसके बिहाफ पे हमें कुछ करना हो, तो उसी चीज के बारे में आज हम बात करें। सबसे पहले हम न्यू यहां पे जाते हैं और हम लेते हैं डेटा, ठीक है, क्या लेंगे, डेटा लेंगे। तो यहाँ एक्सेल वर्कबुक में आएंगे और आपका डैशबोर्ड 11 वाला डेटा ही उठा लेते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे डेटा में, ठीक है, एंड यहां पे करता हूं लोड। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसको चलिए सुन लेते हैं। एंड यहां पे आपके सामने ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ये सब चीज दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे जो फिल्टर चाहिए ना, और जैसे ईयर है, तो मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन करता हूँ, यहाँ आपके कहाँ गए, स्लाइसर के अंदर मान लीजिए मैंने ऑर्डर डेट को डाल, तो डेट इस तरह से आ रहा। अब इसको हेरिकल कर दूं मैं, तो इस तरह से हेरिकल ही आए, ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्या नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए डेट का ड्रॉप डाउन मंथ डैश ईयर, मंथ डैश ईयर। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, तो ऐसे केस में दो तरीके, मैं न्यू कॉलम में आता हूं, तरीके दो है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर एम के नाम से फिल बना, पहला फॉर्मूला है कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाऊ, फॉर्मेट फॉर्मेट में मैं यहाँ ऑर्डर डेट लू। फॉर्मेट फॉर्मूला एक्सेल के जो टेक्स्ट फॉर्मूला होते हैं उसी की तरह होता है, और इसमें मैं कर दूं कि MMM डैश वाई वाई, तो क्या होगा कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग के जो काम होता है, इस तरह से जुलाई की, जुलाई देश, इस तरह से आपके सामने आ जाए, ठीक है सर, गया। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि इसमें से ईयर अलग किया है, अब ये तो डेट है इसलिए कर लेंगे ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास ईयर यहाँ पे है और यहाँ मंथ को अलग किया है। फॉर्मेट फॉर्मूला से ही मंथ अलग किया है, मंथ को अब मुझे, एक मिनट, क्या हुआ, मंथ नो, नहीं, मैं फॉर्मेट हटा देता हूँ, फॉर्मेट नहीं चाहिए, ऑलरेडी है हमारे पास। इस तरह से अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है फिल्टर के लिए, ठीक है। तो कॉलम को ऐड करेंगे, यहां पे हम सिंपल सा ईयर को लेंगे, मुझे चाहिए मंथ पहले, तो पहले हम मंथ को लेंगे, कॉन्कैटा नेट लगाएंगे यहाँ पे डैश, फिर कॉन्कैटा नेट, तो @% भी यहाँ कॉन्कैटा नेट के रूप में चलता है। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे अपना ईयर, तो इस तरह से आपका आ जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या कॉन्केट फॉर्मूला नहीं चलता है? जी हाँ, कॉन्केटा नेट यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्केटा नेट फॉर्मूला ले, तो कॉन्केटा नेट में हम यहाँ पे मान लीजिए कि मंथ लेते हैं FM,
और फिर यहाँ पे ईयर ले लेंगे, एफ एम और कॉमा डैश दे दीजिए कॉमा, फिर यहाँ पे हम ईयर ले लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी मैं, ओ सॉरी, ये सिर्फ दो टेक्स्ट को ही कॉनकेट करता है, समझे, कॉनकेट फॉर्मूला जस्ट दो टेक्स्ट को ही, दो से ज्यादा नहीं, तो इसमें ये नहीं आएगा, समझ गए, समझे गए सर? यस सर। तो यहाँ पे कॉनकेट क्या करता है, दो टेक्स्ट को ही करता है, दो से ज्यादा नहीं करता। यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा कॉलम करना हो, तो मुझे इस कॉलम को करना हो, तो हमारे पास एक आता है कॉनकेटनेट का, कॉनकेटनेट एक्स का फॉर्म, कॉनकेटनेट एक्स, जो कि पूरे एक कॉलम को दूसरे कॉलम से करता है एक ही साथ। तो यहां हमने एक न्यू टेबल पे चले गए और न्यू टेबल पे हमने लगाया फॉर्मूला, मान लीजिए सी टी एक्स का, और यहां पे लगाया फॉर्मूला ऑल, इस ऑल फॉर्मूले में मैंने दे दिया कॉनकेटन, कॉनकेटन नहीं आ रहा इसमें, अच्छा ऑल के अंदर फंक्शन नहीं होते, आज कॉनकेटन एट लेते हैं, मेजर्स में काम आता है क्या कॉनकेटन एट, कॉनकेटन एट एक्स, एक आता है कॉन्फिडेंट इंडेक्स, बट वो उसका काम है पूरे कॉलम को कॉन्फिडेंट करके एक टेबल में देना, इसका यूज होता है आपको वर्चुअल टेबल बनाने, एग्जाम्पल में मेजर्स पे आता हूं, मुझे न्यू मेजर्स यहां पे हम डालते हैं, कौन कटा नेट एक्स, इसमें इसमें पहले दे रहा होता डेटा, तो डेटा क्या है मेरा, तो डेटा है हमारा एरा डेटा टेबल, अब इसको किस फील्ड्स को किस अनदर फील्ड या किस फील्ड को किससे जोड़ना है, तो मैंने बोला मुझे ईयर को, नहीं ये मंथ एफ एम है, एफ एम को, एफ एम को और लिमिटर दिया मैंने, एक किससे जोड़ना है ऑर्डर्स, नहीं ऑर्डर नहीं क्या बोलते हैं उसको, ईयर, ईयर्स इंटरप्रेस कीजिए। अब मैं इसको टेबल के अंदर, जो मेरा टेबल है उसके अंदर अगर मैं इसको रखता हूँ इस तरह से आ रहा है, लेकिन इस तरह से आने से फायदा क्या है, फायदा क्या है,
तो मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसके लिए हम डैक्स क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। मेजर्स के अंदर ही हमारा होता है डैक्स क्यूरी, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं एवलेट, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट में बनाऊंगा, टेबल में भी बना सकता हूँ इसको मैं। यहाँ पे हमने ले लिया न्यू टेबल, और न्यू टेबल में मैंने यहाँ पे एंटी करके लिया। इसमें मैंने ऑल का फॉर्मूला लगाया, ऑल फॉर्मूले के अंदर मान लीजिए मुझे लेना है रीजन, स्टेट ले तो रहेगा। अच्छा सिटी कैटेगरी सिटी कंट्री, स्टेट नीचे चला गया स्टेट। यहां पे क्या होगा, ऑल फॉर्मूला क्या करेगा, एक नई टेबल में हमने क्या किया, एक न्यू टेबल पे ले गए, ऑल का लगाया, तो जितने भी कंट्री लिस्ट थे वो कंट्री के, जितने स्टेट लिस्ट थे उस स्टेट का लिस्ट आ गया। मान लीजिए मुझे इस स्टेट लिस्ट में ये चाहिए कि मेरा कौन कौन प्रोडक्ट सेल हुआ है, समझ में, और मैं उसको मैं कॉमा कॉमा करके शो करना चाहता हूं, राइट, मैं कॉमा कॉमा करके सेल करना चाहता हूं। तो यहां पे न्यू कॉलम ऐड करेंगे, और न्यू कॉलम ऐड करने के बाद यहां हम देते हैं प्रोडक्ट, सब यहाँ पे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट नंबर थोड़ा बड़ा है, एक काम करते हैं हम दे देते हैं, मान लीजिए सेगमेंट, सब कैटेगरी सही रहेगा, सब कैटेगरी यहाँ पे सब कैटेगरी। अब यहां पे मैं देता हूं कॉनकाटा नेट एक्स, और यहां पे डेटा, तो डेटा मैं फिल्टर में लगाऊ लगाऊंगा, फिल्टर में मैं बोलूंगा डेटा, और यहां पे मैंने बोला कि जो स्टेट है ना हमारा, जो स्टेट है डेटा का स्टेट इक्वल टू कौन सा टेबल है, एंटी, एंटी का स्टेट, एंटी स्टेट, और मुझे कॉनकेटेनेट किसका इसका करना है, तो कॉनकेटेनेट करना है सबसे पहले सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, और इसके साथ हमें देना है डैश, तो यहाँ पे कॉमा देना हो कॉमा डैश कॉमा, इसके अंदर में देना है सेल्स, सेल्स, और यहाँ पे हमने एंटर पेस्ट कर दिया। काफी बड़ा बन गया, तो बहुत ज्यादा डेटा था इसलिए, देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो फिल्टर डेटा फिल्टर दिए, इस तरह के कंबाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। नहीं नहीं टेबल पे होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट मैनी देता है ना सर, जो फॉर्मूला मैनी टू मैनी रिजल्ट देता है वो फॉर्मूला हमेशा टेबल में लगे, ठीक है, मैनी टू मैनी रिजल्ट देने वाले टेबल को टेबल में ही लगाया जाए, ठीक है। तो
तो कहने मतलब काउंट कॉन्ट्रा टैक्स को मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा, बस मैं यहाँ खुद देख रहा था इसको। मेजर्स में तो लगाया जा सकता था, लेकिन मेजर्स के अलावा, क्योंकि मेजर तो वर्चुअल टेबल बनाता है ना, तो कॉन्ट्रा टैक्स के बाद जो हम यहाँ पे आते हैं एग्जैक्ट, ठीक है, इस पे आते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब जैसे कि टेबल आपका है और इसमें हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब एग्जैक्ट से पहले हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट करने का। एक्सट्रैक्ट में जैसे कि यहाँ पे CA और US दिया हुआ है, राइट, तो मुझे इस दो को अलग करना है। तो न्यू टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे कंट्री कोड चाहिए, तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, लेफ्ट जो ऑर्डर आईडी है हमारा, ऑर्डर आईडी उसमें से लेफ्ट से 2 लेटर अलग कर, ठीक है। सीसी ऑलरेडी यूज, सीसी है, सी अंडरस्कोर सी कर देता हूँ, ठीक गोल। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से 2 लेटर अलग कर देगा। अब मान लीजिए कि मुझे इसको एग्जैक्ट मैच करना है, क्योंकि तो मेरे में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ करेक्टर लोअर केस में, तो लोअर केस में अगर करेक्टर है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल कनाडा में नहीं हुआ है, US में, पर कनाडा के क्लाइंट द्वारा हुआ है, इसलिए कनाडा, बात समझे। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मैच करना है। तो नॉर्मल अगर यहाँ पे हम यहाँ कर दें इक्वल टू CA, हमने क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया, तो जहां जहां CA होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करता है, सॉरी एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए कि भाई केस भी इक्वल हो। ऐसे केसेस में हम लगाते हैं फॉर्मूला एग्जैक्ट का, CA जो कैपिटल होगा वही ट्रू आएगा, स्मॉल वाला ट्रू नहीं आएगा। अगर मैं इसको स्मॉल कर दिया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आ गया। एग्जैक्ट क्या करता है, एग्जैक्ट टेक्स्ट को मैच करता है। कई बार हमें ये देखना होता है उस केस में, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने फाइंड इसका लेफ्ट ओवर लगा के 2 लेटर अलग कर लिया और राइट लगा के, अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि कंट्री कोड 2 ही लेटर का है, इतना पता है कि जो पहला डैश है उससे पहले को उठाना, ठीक है। ऐसे केस में हमारे पास होता है फॉर्मूला फाइंड का। फाइंड को बताइए क्या ढूंढना है, तो हमारा डैश ढूंढना है, किस में ढूंढना है, तो ऑर्डर आईडी में ढूंढना है और स्टार्टिंग से ढूंढना है। जैसे आपने इसको एंटर किया, एंटर करते ही यहाँ आपके पास 3-4 आ गया। अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि डज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड वैल्यू की जगह पे कुछ दे दीजिएगा जरूर, जैसे मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, ये आपको दे देगा नंबर, क्या दे देगा, नंबर, कि ये फॉर्मूला इसके अंदर अवेलेबल है तीसरे नंबर के करेक्टर पे। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट फॉर्मूले में दूंगा ऑर्डर आईडी और बोलूंगा कि दो, यहां से फाइंड के रिजल्ट -1, मतलब कि क्योंकि 3 जो आया है वो डैश तक की पोजीशन आया है ना, ये अब जो लेटर दिया है उसमें अगर डैश तीसरे स्थान पे होगा, चौथे स्थान पे होगा, उसके हिसाब से मुझे देगा। जैसे मान लीजिए इसमें मुझे ईयर अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला तो रहेगा। अब यहाँ पे मिड लगा दो, मिड तो किससे लेना है, तो ऑर्डर आईडी से लेना है। आपका मिड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब मीट मेरा स्टार्ट बोल दूंगा चौथे से 4 लेटर लेना है तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब 4 लेटर लेना है तो फिक्स है, ईयर है, पर चौथा फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइन का फॉर्मूला लगा देंगे कि फाइन डैश इसके अंदर, तो ऑर्डर आईडी के अंदर स्टार्टिंग से, इसमें +1 कर दीजिए क्योंकि मुझे उसके बाद से शुरू करना है, ये आपका फिक्स हो गया। तो फाइंड फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, कि कोई किसी पर्टिकुलर लेटर को उसके अंदर है या नहीं, लेफ्ट राइट मिड का इस्तेमाल करते हैं उसमें से किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
फॉर्मेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करते हैं? अपने हिसाब के फॉर्मेट को लाने के लिए। इसे समझ में आ गया आपको कोई दिक्कत? अब बारी आती है रिप्लेस फॉर्मूला। रिप्लेस फॉर्मूला, अब मान लीजिए कि बॉस ने बोला यार ऑर्डर आईडी में जो पहला जो डैश है ये यहाँ पे स्लैश होना चाहिए, दूसरा डैश चलेगा, समझे? तो मुझे अब यहाँ पे पहले में डैश भी है या डॉट भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है। बॉस ने बोला सबको तुम क्या करो, स्लैश करो। तो यहां हमने लगाया फॉर्मूला किसका? रिप्लेस का। रिप्लेस ने बोला कि ऑर्डर आईडी के अंदर, ऑर्डर आईडी के अंदर हमने बोला तीसरे नंबर से एक कैरेक्टर को यहां पे स्लैश कर दिया। अब तीसरा नंबर का कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? तो रिप्लेस फॉर्मूला जस्ट एक्सेल का ही फॉर्मूला है। तो यहां पे ये आपको कर दिया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि बॉस ने बोला नहीं नहीं एक काम करो, जितने भी डैश है सबको तुम डॉट करो। तो यहां पे रिप्लेस नहीं लगेगा क्योंकि रिप्लेस पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में बोला कि ऑर्डर डेट में जहां भी डैश होगा उसको क्या कर दो, डॉट कर दो। ठीक है, क्या हो गया? डॉट, क्लियर है? अब यहां में बारी आई कि जो लास्ट वाला नंबर है ना मुझे वो स्ट्रैक कर, लास्ट वाला नंबर। अब जैसे अब यहां पे कैसे है क्योंकि यहां कोई स्प्लिट वगैरह फॉर्मूला नहीं है एक्सेल की तरह, तो यहां हम एक ट्रिक लगाते हैं। हम सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला ही देंगे। हमने बोला डैश को, जो डैश फॉर्मूला है उस डैश फॉर्मूले को रैप, रैप में हमने बोला स्पेस 99 बार रिपीट कर दो। फिर यहां हमने लगाया फॉर्मूला किसका? राइट का, IGST, राइट। राइट को मैंने बोला कि जो लेटर है उसमें से 99 लेटर राइट से अलग करो। फिर हमने ट्रिम बोला, ट्रिम ने क्या किया, ट्रिम ने अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ठीक है, नंबर क्यों है, लास्ट सिर्फ एक नंबर दिया है। एक काम करते हैं, मैं लगाता हूँ बारी बारी से लगाता हूँ। सॉरी, हाँ इस डैश को तो करना था, डैश को 99 स्पेस पे रिपीट कर दे। एक्सेल का फॉर्मूला नहीं चलता इस पे क्या? सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाया। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में मैंने बोला कि रैप फॉर्मूले इसमें, इसके अंदर ऑर्डर आईडी के अंदर ओल्ड टेक्स्ट हमारा डैश है, डैश, और हमने बोला न्यू टेक्स्ट है हमारा रैप्ट, रैप्ट में हमने बोला स्पेस अभी 99 बार। एंटर प्रेस करते हैं, क्या रिटर्न आया? ओके, अब मैं यहां पे बोलता हूँ राइट, RIT, राइट। राइट को मैंने बोला 99 बार अलग करो राइट से। ए अब स्पेस आया, अब मैं यहां बोल रहा हूं ट्रिम करो, ट्रिम जो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। हाँ, अब उसमें लग रहा है कुछ गलत हो गया, तो राइट से अलग कर दिया। कैसे किया, समझ में आया सर कि नहीं? यहां मेरा एक सिंपल सा मेथड, सिंपल हमने क्या किया, हमने हमें क्या करना था कि राइट से सारे नंबर अलग करने डैश के बाद। अब मुझे नहीं पता कि 3 डैश है, 4 डैश है, 10 डैश है,
ना, तीन ही रहस्य ना, और हो सकता है चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो, हमें नहीं पता, बस हमें लास्ट में डैश के बाद के सारे नंबर को अलग करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑर्डर आईडी के अंदर जाओ और जो डैश है ना उसको स्पेस बना, लेकिन एक दो नहीं, 99 स्पेस बना, समझे। क्या कर दो, अच्छा ऐसे डाल दिए, आप 100 भी डाल सकते हो, 500 भी डाल सकते हो, मैंने 99 डाल दिया। तो रैप फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी करेक्टर को 99 बार रिपीट करता है। एक काम कर दो मुझे, इसको मैं एक अलग एक्सेल शीट में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, वहां रिजल्ट आता है। देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा सुजीत स्पेस कुमार स्पेस सिंह, ठीक है। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया, इसमें गए और हमने बोला कि ओल्ड टेक्स हमारा स्पेस है, इसको क्या करना है, इसको हमने बोल दिया रैप, रैप में हमने बोल दिया कि भाई तुम 20 बार रिपीट कर दो स्पेस को, ठीक है। इसके बाद 20 बार, ये क्या किया कि जितने भी नेम थे उसके बीच में 20 स्पेस ऐड कर दिया, कर दिया। फिर मैं राइट से बोला कि तुम 20 जो है लेटर अलग कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि 20 स्पेस तो होगा ही होगा, जब 20 लेटर जब बोलूंगा तो क्या करेगा, यहां से काउंटिंग शुरू करेगा सिंह के साथ 20 स्पेस, कुछ स्पेस की भी ले लेगा, जैसे पांच सिंह पांच है तो 15 स्पेस लेके 15 स्पेस और सिंह को अलग कर देगा। अब फिर मैं ट्रिम का फॉर्मा लगाऊंगा अनवांटेड को रिमूव कर, समझ में आया मेथड कि नहीं, इसको बोलते हैं जुगाड़, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट रैप ट्रिम राइट का यूज करते हैं, नहीं 10 टाइम करोगे दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि ये नंबर नहीं दिख रहा आपको, ये नंबर कितना 6 डिजिट का है, मान लीजिए ये नंबर ही मान लीजिए 10-15 डिजिट का हुआ, तो हमें तो इतना बार रिपीट करना ताकि राइट जो वैल्यू ले हम, तो राइट से हमारी जो वैल्यू चाहिए वो उसके अलावा कुछ ब्लैंक्स रो आ जाए, ब्लैंक्स कॉलम ये आ जाए, तो हम अंदाजा लगाना होगा कि मेरा कितना डिजिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है ना, फिक्स होगा तो इस सेंसर लगाने के सेंसर क्या है, राइट से लगा लो, ये हम तब लगाते हैं जब फिक्स ना होता, जैसे सरनेम फिक्स नहीं है, लेकिन हमने अंदाजा लगा दिया कि सरनेम जो है 10 से 15 लीटर का होता है, तो हमने 5 बफर लेके 20 डाल दिया, आप देखिए 70-80 डिजिट का है तो आप 99 डाल दीजिए, 100 डाल दीजिए, 500 डाल दीजिए, 1000 डाल दीजिए, ठीक है। तो यहां हम टेक्स्ट की कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया, अगली कैटेगरी में हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो क्लासेस को